ये तो होना ही था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ मेरे भाई के लिए अदनान 07 फिटनेस और कॉन्ग्रेचुलेशन अदनान। इंशाल्लाह ये एक ब्रांच है, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे ब्रांच खुलेंगे। बहुत अच्छा लगता है, टीम 07 इतना आगे निकल गई है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह का एहसान है, लाखों शुक्र है। बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया है, सब लोग अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। आज एक भाई ने ब्रांच खोल लिया अपना, इंशाल्लाह 2-3 ब्रांच और खुलेंगे। और गाइज आप लोग भी जो मुंबई में यहाँ पे नियर बाई में हो, सबसे अच्छी बात आप लोगों के लिए ये है कि स्टेशन के एकदम सामने, तो मतलब आप आराम से अप डाउन कर सकते हो अगर आप इधर एडमिशन कर रहे हो। मैं खुद ही हूँ मेरा इंस्पिरेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। बट हाँ, हम लोग ऐसा है कि मतलब एक दूसरे को खुद से इंस्पायर करते हैं जिम करके, और एक दूसरे के लिए खुद ही मोटिवेशन बनते हैं चीज़ों में भी, कामों में भी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग खुद ही एक दूसरे पे सब लोग बहुत फोकस करते हैं, तभी तो अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग यहाँ आए। देखो मैं पूरा नहीं बताऊंगा थर्ड चीज़ क्या होने वाली है, बट हाँ मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ, वो चीज़ होने वाली है खाने से रिलेटेड और पूरे इंडिया में रहेगी वो इंशाल्लाह। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं कुछ, बहुत जल्दी आने वाला है कुछ गाइस और स्टे ट्यून। फैजू, खतरों के खिलाड़ी में काफ़ी सारे नाम आ चुके हैं, आप किसको सपोर्ट करते हुए नजर आओगे? शिव ठाकरे, काफ़ी अलग अलग नाम है, अर्चना का नाम है, काफ़ी सारे लोग हैं, अर्चना है, डेजी शाह है, बट मैंने अभी तक पर्सनली किसी से मिला नहीं हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच ब्रदर। तो मैं अभी पर्सनली किसी से मिला नहीं हूँ, बट हाँ सबके लिए फुल सपोर्ट है। गाइज आप लोग अगर जा रहे हो धूम मचा देना वहाँ पे, और यहाँ से स्ट्रांग रहना, यहाँ से स्ट्रांग रहना, बाकी सारी चीज़ें तो आसानी है। बट आप दोनों को अगर कोई एक रियलिटी शो में साथ में जाना हो तो कौन सा रियलिटी शो? अदनान और मुझे? मैं तो फिर से खतरों रिपीट करना चाहूँगा, मेरे को अदनान का डर देखना, सच बता रहा हूँ। अभी हम लोग जिम की बात करते हैं, टीम 07 फिटनेस की बात करते हैं। आज हम लोग जिम के लिए आए हैं और अल्लाह का एहसान है, बहुत जगह से बहुत सपोर्ट मिला है, और अच्छी बात ये है कि भाई ने एक ब्रांच खोल लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और इंशाल्लाह देखते ही देखते और भी बहुत सारे ब्रांच खुलने वाले हैं। मैं बताता हूँ, अदनान कुछ नहीं कहना चाहेगा क्योंकि अदनान को भी अभी तक पता नहीं है, मेरी भी कल ही बात हुई है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आने वाला, स्टे ट्यून गाइस। थैंक यू सो मच। तो वैसे तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अदनान को कि माशाल्लाह उसने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी सारी चीज़ें करी है। पहले भी उनकी जिम थी माशाल्लाह, और ये दूसरी जिम है, लाइक तीसरी जिम है ये। सो अब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है माशाल्लाह, इज़ वेरी नाइस, और हम लोग की दोस्ती काफ़ी टाइम से है माशाल्लाह। तो बस मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूँगा, इंशाल्लाह आगे भी वो ऐसी सारी चीज़ें करता रहे। अब मेरा फिलहाल इतना कुछ ज़्यादा फोकस नहीं था, लेकिन अब इतना है कि जिम खुल चुका है तो अब यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा, दोस्ती की भी बात हो गई और फिर चीज़ भी अपनी है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरी फिटनेस का रास्ता वैसे कुछ भी नहीं है, थोड़ा हार्ड वर्किंग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, तो बस वही है, घर का भी बाहर का भी। आगे बहुत सारे प्लान्स हैं माशाल्लाह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रियलिटी शोज़ के हैं इंशाल्लाह, शॉर्ट फिल्म्स के हैं, एल्बम सॉन्ग्स के हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें लाइनअप करी हैं इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, आबाद रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करो, गिव रिस्पेक्ट टू योर मॉम एंड डैड, दैट्स ऑल जी। वेलकम। आकांक्षा जो नया जिम खुला है, क्या कहना चाहेंगे?
यार मुझे लगता है मैं बहुत ही सही जगह हूँ, ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकती हूँ बिकॉज जिम से मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है ना। अदनान तो सबकी फिटनेस इंस्पिरेशन है, तो आई थिंक अदनान के लिए एक परफेक्ट ब्रांड है एंड स्पेशली समथिंग लाइक फिटनेस। मैं हमेशा तैयार हूँ ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बिकॉज फिटनेस मेरी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड बहुत ही अच्छा जिम है एंड जो ब्रांडिंग अदनान ने करी है हर चीज़ पर, आई रियली लव इट कि 07 को उसने कहाँ तक पहुँचाया है एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई सो विश ये मेरे घर के पास होता तो रोज़ मैं यहीं दिखती जी। मुझे बहुत बहुत सारे लोग करते हैं बट आई थिंक मैं अपने आप को रोज़ इंस्पायर करती हूँ जब मिरर में देखती हूँ और मुझे लगता है थोड़ा और बेटर करना है मुझे इससे एंड मैं अपने टारगेट्स रोज़ सेट करती हूँ और फिर ये लोग मुझे काजू कतली दिखाते हैं मैं नहीं खाऊंगी हाँ जी थैंक यू। यार अदनान लाइक कुछ लोगों में से हैं जो मुझे पता है कि एक कॉल अवे है, मैं कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए बुलाऊंगी, मेरा कोई स्पेशल इवेंट होगा, मुझे किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट करना होगा तो अदनान हमेशा होगा एंड ये बहुत ही अच्छा कॉज है, बहुत ही पॉजिटिव है अदनान। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे आप रोज़ नहीं मिलते बट एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं एंड अदनान इज़ वन ऑफ देम। आई एम वेरी हैप्पी कि फिटनेस से उसने अपनी ये ब्रांडिंग स्टार्ट की एंड मैं काफ़ी दिखने वाली हूँ यहाँ पर। Thank you so much. All the best, Adnan. ये आमिर को कोई भेजो वापस। सेकेंड नहीं थर्ड जीरो सेवन फिटनेस का। हाँ क्योंकि इससे पहले रेप जिम था। हाँ सेकेंड है, सही बोले। कितनी ज़्यादा खुशी है आज की? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कब ये जिम ओपनिंग होएगी और आज फाइनली ओपनिंग हो गई है आज 8 तारीख को। फिटनेस को लेके तो सभी जानते हैं मुझे, जो भी मुझे देख रहे हैं सब जानते हैं मुझे कि मैं फिटनेस को लेके कितना मोटिवेशनल हूँ और इंस्पिरेशन भी हो। आने वाले समय में क्या कुछ नया? आने वाले समय में जब भी आएगा मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है मगर जब भी आएगा मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू, वेलकम। आप लोग कर लो पहले। चलो ठीक है, आओ। कैसे हो? थैंक यू, सो हैप्पी आई एम एट द राइट प्लेस। मी मेरा छोटा भाई अब्बा। हाय। हां जी कहां हूं? आमिर आप यहां आ जाओ। ना भी आए भी हाय। सुबह से फजर से निकला हूं मैं 5:30 बजे से। अब आमिर की बॉडी बनेगी। अब बनेगी मेरी। लास्ट टाइम स्टार्टेड वर्कआउट और जो बॉडी बनी थी सब। हाँ सही लोगों के साथ हूँ फिटनेस वाली जगह। पहले बाइक पकड़ लो। वेलकम सर।
sorry, I Baki? I'm going to बाबू चलते आप ले लो सोलो ले बाइट करते हैं, पांच मिनट में करते हैं। आ जाओ पहले इनका जगह तो देख के आ जाओ, जिसके लिए वेट कर रही हूँ मैं कब से। तभी तो मालूम पड़ेगा, बताएंगे फिर। आज ही बात। आओ अब्बा। आगे आ जाओ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। जिम तो था पर इक्विपमेंट्स का कुछ ऐसा आइडिया था नहीं। पर ये देखा जाता है कोई भी जिम अगर स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि इक्विपमेंट्स वहाँ पे सही रहे। तो दूसरे के इक्विपमेंट्स लेके फिर अपने जिम में ला के असेंबल करना, ये एक डिफरेंट थिंग हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करा जाए। तो हम लोग ने खुद एक अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा है जिसका नाम है जीरो सेवन फिटनेस के नाम से। तो हम लोग ये फर्स्ट जिम खुद ही, और ये एक रेस्टोरेंट था और अब्बा की हेल्प के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। अब्बा ने बहुत इसमें मेरी हेल्प करे और अब्दुल भी। ये काम एक महीने में हो गया अप्रॉक्सीमेटली, और शायद अब्बा हेल्प नहीं करते और अब्दुल भी नहीं रहता तो एक महीने को दो तीन महीना तो लगता था। तो बिग थैंक्स अब्बा को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस मैं ये कहूँगा कि एक दिया, छोटा से एक दिया हो मगर अपना हो ऐ दोस्त, भीख में मांगी हुई रोशनी हमें नहीं चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस हिसाब से, मतलब पहले रेव जिम शुरू हुआ, उसके बाद जीरो सेवन फिटनेस दूसरी जगह था, आज ये वाली जो जीरो सेवन फिटनेस है ये माशाल्लाह मतलब कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा हुआ है। और ये वाली जिम में नवे इक्विपमेंट्स, वो भी खुद जीरो सेवन फिटनेस के मैन्युफैक्चरिंग के साथ, वो बहुत अलग चीज़ थी। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है कि धीरे धीरे माशाल्लाह जिस तरीके से मतलब तरक्की की बुलंदी पर चल रहे भाई, बहुत बहुत खुशी होती है। इंडिया में बॉलीवुड में देखेंगे तो सबसे पहले भाई करते हैं हमारे, सलमान भाई इंस्पायर करते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जैसे टाइगर श्रॉफ, रिद्धि जामवाल, और फिटनेस बहुत सारे फिटनेस के एथलीट हैं। और इंटरनेशनली बोलेंगे तो आप, मैं एनरल को बचपन से देखते आया हूँ, एनरल थर्ड को। उसके बाद में करंट मेरे फेवरेट है ब्रैडली मार्टिन। थैंक यू अब्बा। मैं जाते जाते आप लोगों से ये कहूँगा कि वो खुद ही तय करते हैं आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं होती परवाह कभी गिर जाने की। ओके, थैंक यू सो मच। पूरा नहीं, हाँ पूरा पूरा, मैं कांक्षा पूरी हूँ पर मैं पूरा पूरा खाना पड़ेगा। मैंने कहा है ना, नहीं अब पुराने दोस्त है तो इतना तो फिर बनता है।
अदनान आप कैसे रह गए? एक काजू कतली अदनान के इधर न्यू क्रिएटर इन द टाउन तो एक नई क्रिएटर आ गई है अभी अभी क्रिएटर लोग की मार्केट सब खत्म होने वाली है नई क्रिएटर आ गई है मार्केट में नहीं 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 वो फोर्स करके वीडियो बनाई अरे इतनी लंबी क्यों दिख रही है मेरे से पटली है ठीक है यार कोई बात नहीं करो स्टार्ट करो भाई मेरी तबीयत खराब है तुम आए फैज की तबीयत खराब है फैज को मलेरिया हुआ है फिर भी फैज आया थैंक यू सो मच ब्रदर मेरे को भी लग रहा है तुम्हारे 12 बजे जिम कर लिए तो ये देखो जल्दी करा दी वेल अदनान भैया के साथ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी है वो बिल्कुल मेरे बड़े भाई जैसे हैं एंड उन्होंने अब जिम खोला है तो ऑफ कोर्स मैं उनकी हर खुशी में हमेशा मौजूद रहूँगी हमेशा आऊँगी एंड उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है और मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छी अच्छी अचीवमेंट करते रहें सो आई ऑलवेज बी देयर फॉर हिम एंड ऑलवेज बी प्रेजेंट इन ऑल ऑफ हिज इवेंट्स मैं फिटनेस से ऑफ कोर्स यार और किससे इंस्पायर होंगी अब तो मैंने भी जिम शुरू किया है क्या बात है अभी मैं जिम तो देखा नहीं अभी फिर बाद में बताता हूँ इनको अभी फैज की तबीयत भी खराब है तो फैज आया मलेरिया हुआ इसको पर फिर भी फैज आया मैं तो फैज को खुद बोल दिया था कि अगर तबीयत सही नहीं लग रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पर ये आया सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू समर अच्छा इस साइड बहुत ज़्यादा यार मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ यार जो इतने बनाया है ना सब एक तो मेहनत से बनाया है और मैंने तो उसकी पूरी स्टोरी सुनी और भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे हम लोग कुछ महीने पहले ही मिले दुबई में और मतलब एक अलग रिस्पेक्ट है यार इस बंदे के लिए और खुद से बनाना अपने इक्विपमेंट अपना जिम हैट्स ऑफ ब्रो थैंक यू सो मच बहुत अलग फीलिंग है और मुझे जब इसने बोलना कि भाई आना है तो मैंने कहा भाई मैं कहीं पर भी हूँ तेरे लॉन्च में तो मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि वो दिल से रिस्पेक्ट है इसके लिए थैंक यू सो मच भाई मींस अ लॉट मैं पर्सनली पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आई रियली फील कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग बहुत मेहनत लगती है इस एक मुकाम लाइफ में हासिल करने के लिए और जैसी जर्नी जो पता है मेरे को अदनान के बारे में तो इस लेवल तक पहुँचना और ख़ुद का एक बॉम्बे में जिम खोलना ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है तो ये देख के बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है इस चीज़ के लिए आई होप कि ये चीज़ बहुत चले और लोगों को और सपोर्ट मिले इस चीज़ लास्टली आप लोग अभी जिम से आए हो सबसे अच्छी बात क्या लगी कोई ऐसा वेट मशीन या फिर कुछ अगर सबसे अच्छा लगा है पोस्टर मैं पहले हाँ। ये तो मैं ही बोल रहा था यार क्या लोगों ने डिजाइन करा यार तुमने बहुत सही थैंक यू बहुत सही और
मैंने पहले सोचा था कि सिर्फ जिम है, बट इक्विपमेंट्स के बारे में मुझे अब पता चला, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और मुझे वाइब अच्छी लगी यार, निकाल दे जिम की ना वाइब अच्छी होनी चाहिए, तभी मेरे जैसे लोग आते हैं। सबसे पहला एक इक्विपमेंट देखते हैं, सेकंड वाइब देखते हैं, और बहुत सारे लोग आए और आकाश भाई और दीपक भाई आए, तो दिल से थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अपना स्पेशल टाइम देने के लिए। अरे यार, और दोनों भी बहुत हार्ड वर्किंग है, आकाश भाई को भी रिसेंटली आप लोग देखेंगे रियलिटी शो में, बहुत ही अच्छा किए तुम, तुम्हारी और सूर्य की फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी दिखी। और दीपक का हमारे भाई का तो अभी रिसेंटली आदित्य रॉय कपूर सर के साथ में एक मूवी आई है, बहुत ही अच्छा उसमें कैरेक्टर प्ले किया है उसमें दीपक ने, और दीपक की भी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही अच्छी जर्नी। दीपक ऐसे ही जलता रहे, मैं जलाता हूँ भाई। नहीं नहीं बट यार प्लीज़ कम, जो भी आता है जो 07 फिटनेस जिम आओ और बॉडी बनाओ। मैं भी आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मीन सर। बहुत अच्छा लग रहा है, लगभग 5 महीने पहले जब हम मुलाकात किए थे और जब इस टॉपिक पर बात चल रही थी कि क्या क्या फिटनेस इंडस्ट्री में करना है, आई थिंक माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आज अदनान का ये हो चुका है। दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। ये बहुत इंशाल्लाह बहुत आगे जाना है, हमको पता है। ये मदीना में था उस टाइम पे, हम वीडियो कॉल कर रहे थे उस टाइम पे, अदनान बता रहा था कि भाई दुआ करो ये सारा चीज़, और जब अल्लाह चाहता है तो क्या नहीं होता है। माशाल्लाह बहुत बहुत, मतलब इसका ड्रीम था, मेरा भाई है इसके लिए तो कभी भी, और जिस तरीके से उसने इसके पीछे मेहनत किया है, ही डिजर्व्स ऑल द सक्सेस। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग की तो ये दुआ है कि कुछ भी करे उसके लिए तो सपोर्ट है, बट ये इसने बहुत मेहनत की बहुत ज़्यादा। बहुत कुछ है, सबसे पहले तो इतनी कम एज में इतनी जल्दी नॉट जस्ट जिम बट अपने खुद का इक्विपमेंट लाइन भी है, और जिम और ह्यूमन बायो मैकेनिक्स समथिंग जो मुझे बहुत पसंद है, तो काफ़ी सारा जो इक्विपमेंट्स मैंने देखा काफ़ी सारे यूनिलैटरल भी है, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगा, इतने सारे इक्विपमेंट्स है। आई थिंक बहुत ही फैबुलस है जो पूरा लाइन है, और ये बहुत बढ़ना है इंशाल्लाह, ऐसा ही प्रीवियसली सेड। तो इसमें बहुत कुछ है, हर टाइप के इक्विपमेंट्स है, जो एक क्विक ग्लांस लेने मुझे मिला, अभी भी पूरा जिम नहीं देखने को मिला है, बट आई एम श्योर कि ये सिर्फ बढ़ते ही जाएगा इंशाल्लाह। नहीं सर, काफ़ी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जिम बहुत देख के दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और खूब तरक्की दे, खूब कामयाबी दे इंशाल्लाह। ऐसी बहुत सारी चेन इंशाल्लाह, नियत तो ऐसी है कि 07 फिटनेस की पूरी एक फ्रेंचाइजी है, चेन रहेगी पूरे पूरे बॉम्बे के अंदर इंशाल्लाह, 20-25 जिम खोले इंशाल्लाह। और एक सबसे अच्छी बात जो मुझे जिम के अंदर बेहतर लगी कि इन्होंने एक पर्सनल टाइमिंग रखा है लेडीज़ के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रखा उन्होंने कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, तो यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स को थोड़ा लेडीज़ों को थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, थोड़ा मिक्स जेंट्स बॉयज़ का थोड़ा मसला होता है, तो ये बहुत अच्छा पार्ट इन्होंने टाइमिंग रखा है कि पूरा का पूरा सेपरेट टाइमिंग, और ट्रेनर भी उस टाइम पे बॉयज़ ट्रेनर को एंट्री नहीं है, लेडीज़ फीमेल ट्रेनर रखेंगे इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा इनका एक इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा है इंशाल्लाह, इससे बहुत और इंशाल्लाह ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह। जितने भी लोग, हाँ क्या कुछ स्पेशलिटी है जिम के बारे में तो कब से बताए थे ही आ रहा हूँ, पर मेरे बहुत खास बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जिसमें से बहुत सारे लोगों को मैं इंट्रोड्यूस कराया, पर यहाँ पे भी ये तीन लोग हैं जो खड़े, ये तीनों का भी बहुत फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले बात करेंगे फौजान भाई, तो जब वर्कआउट स्टार्ट किए थे तब हम लोग देखे थे, तब से भाई को फॉलो करते हैं, और बहुत ही अच्छी फिजिक रही है, बहुत ही अच्छे ट्रेनर है फौजान भाई, और बहुत ही सारे अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्म किए, और इनको ही देख के हम पीछे पीछे स्टार्ट किए, और स्टार्टिंग से सपोर्ट रहा है फौजान भाई का हमेशा। थैंक यू सो मच भाई आने के लिए, बहुत कम एज में इसने बहुत कुछ कर लिया है, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है, मतलब मैं जानता भी नहीं था, बट जो बंदा ऑनेस्टी के साथ मेरे पास आया था दोस्त बन के, वो आज मेरा भाई है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग जो आज ये हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको और दे, जा जा जाए वाह दे, आमीन। ये हमारे नईम सर है, हमारे एमएमए के सर, जो हमेशा से मेंटली और कोई भी चीज़ में मेरी मुझे हेल्प लगी तो मेरे लिए खड़े रहे, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये ट्रेनिंग के अलावा भी पीछे भी खड़े रहे, और अजहर भाई से भी ज़्यादा टाइम पहले मुलाकात नहीं हुई थी, ये तो अलग स्टोरी थी, अभी बताने आएंगे तो लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में एक ख़त्म करते हैं इंट्रोडक्शन अजहर भाई का देने, तो बहुत अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और इनका खुद का अभी एक कोचिंग आप कुछ क्या चालू किए थे, एकेडमी भी चालू की है, और इनकी किताब है ईट योर केक लूज योर वेट, सो ये भी बहुत
अभी हमारे साथ में इंशाल्लाह टाइम निकाल के आएंगे, यहाँ पे वर्कआउट करेंगे और मुझे गाइड करते हैं मेरे बड़े भाई लोग जितने भी हैं, तो आए मुझे बहुत अच्छा लगा। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू, थैंक यू सो मच।